स्टूडेंट, जैसा कि आपका ये कोर्स पार्ट में बन रहा है, चैप्टर तो वही है पर यही करण। अभी इससे पहले भी मैंने कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवाया था एनसीईआरटी के बेस के सवाल से आपके। अभी हम उसको और सवाल लगाएंगे, इससे थोड़ा सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। अभी जो सवाल है थोड़ा सा आपको ब्रॉड मिलेगा, बड़ा मिलेगा, जहाँ पे आप ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये आपके जो सवाल जिसमें आप बोल रहे, ये इसके पहले वीडियो की तरह ही सवाल है, हम उसी मैसेज लगाएंगे। और ये इसका जो मान है हमें पता है, ये इसका मान जो जितना दिया हुआ है और इसका मान जो रखे निकालना है, मतलब ये इक्वल टू 2 + √3 का मान दिया है, इसमें हम लोग रख के ऐड कर देंगे, इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, पहला हम उसको सॉल्व करते हैं। दो दो पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 + √3 का स्क्वायर। इसका जवाब कितना है बच्चों, एक्स का इक्वल टू में कितना है 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक का प्लस 20 का प्लस 2 का जानते का होगा, एक्स का इक्वल टू क्या है 2 × 4 प्लस, अब रूट का पर क्या लगा कुछ भी आपको पता है, 3 + √3। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना लगा, 4 + 3 = 7 + 4 √3। ये किसके लिए लगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लगा जो कि मुझे इसका मान पता चल गया। अभी मुझे निकालना है 1/x² का मान, तो उसको यहाँ लिखते हैं 1/x² का मान क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं आपको 1x का मान कितना है, यही तो है यहाँ को, तो 7 + 4 √3। अब आपको पता है कि समीकरण कैसे करते हैं, बुरा का निशान लगाते हैं, इसी संख्या को लिखा एक फल करते हैं और नीचे भी करते हैं, लेकिन इसके नीचे और उसको बदल जाता है, फिर हम लोग बदल देंगे। देखे हुए हैं हमने 7 − 4 √3 अपॉन 7 − 4 √3, बस यहाँ पर था उसको नीचे माइनस हो गया है। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या है इसका मल्टीप्लाई करने वही आ जाएगा 7 − 4 √3 अपॉन, यहाँ क्या है बच्चों 7 − 4 √3 का स्क्वायर, मतलब 1 + √3 जानते हो ना, तो वही तो है 7 − 4 √3 अपॉन 17 + 16 क्या है 48, यहाँ पर बताया बच्चों 48। अब देखो घटा दो इससे तो क्या है 1/x² = 7 − 4 √3 अपॉन, हम चार लोग बैठे ना क्या थे, तो बच्चा क्या मान 7 − 4 √3, ये हमारा कितना मान है 1/x² का, और x का मान कितना है 7 + 4 √3, यानी कि हमें ये भी पता लग गया ये पता लग गया, ये दोनों को मान उठा सकते इसी में, तो हमारा क्या है x² + 1/x ये क्या है, तो x का मान कितना हो गया ये, तो मान लो कुछ यहाँ पे कितना आ गया 7 + 4 √3 प्लस 1/x² का मान कितना हो गया 7 − 4 √3, तो क्या आ गया 7 − 4 √3 कुछ कटा है क्या, ये कटा घुमा कर लो पता चला 7 + 7 कट कितना 14, ये हमारा आंसर बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट आपके सामने मैंने एक सवाल और दिया हुआ है, ये सवाल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, और ये सवाल आप मुझे लग रहा है आपका ये लेंदी है टॉप, ये टॉप है नहीं, ये सबसे पहले लगाते हैं उसमें भी इजी है, सब लगाने बाद पहले थोड़ा हमने इसमें किया है, क्या है सबसे पहले इसको जब लगाएंगे इसको दो पॉल में आप लोग कर दो ब्रैकेट लगा दो, एक ये मान लो दूसरा ये मान लो, एक तो ये मान लो एक ये मान लो, कैसे देखे हम 20 पर आप इसको रिप्लेस करेंगे 1² + 20 का ये ब्रैकेट में आ गया और -3 ये दूसरा ब्रैकेट में, बस ये करना था। इसके बाद आपको तरीका वही बताया जैसे हम पढ़ने का करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर आप संख्या लगाते हैं इसी संख्या मल्टीप्लाई इस पर भी और नीचे भी, लेकिन यहाँ मान का आपको आ जाएगा प्लस 8 भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो देख सकते हो रूट में क्या आ जाएगा 1² + 20² - यहाँ मान का क्या लगा प्लस 3 अपॉन
प्लस नेगेटिव बनता है यहां प्लस सी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो ऊपर वाले को नीचे का नीचे निकाल दो तो क्या आ जाएगा हमारे 20 स्क्वायर के बाहर आ जाएगा आपको यहां अंदर मुझे दो आप लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव प्लस सी ये ऊपर का हमारा काम होता है ओके मल्टीप्लाई का प्रॉब्लम रहना है कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे में क्या है a माइनस सी a प्लस सी क्या बताऊंगा a का प्लस b स्क्वायर तो यहां क्या आ जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आप बता फॉर्मूला माइनस सी का एक का माइनस सी का सम होता ही है ना आप पता है कि जब रूट के ऊपर क्या लगाता है रूट हट जाता है तो क्या याद करेंगे सर यहां दोनों का लेना b अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें प्लस सी आप बारह यहाँ क्या रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए ब्रैकेट में माइनस सी स्क्वायर ये हमारा क्या लगा आंसर देगा आई होप आपके सवाल बहुत समझ में आया होगा। इसके सवाल में ये तीसरा सवाल है ये भी सवाल बहुत आपको लेंदी है लेकिन लगाने के लिए हमारे पास बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निक हमारे पास वही है आप कंफ्यूज मत हो बच्चों बस टेक्निक की बात की लीजिए आप अपने लगा लीजिए तो करना हमें वही सवाल है कि यहाँ क्या करना है फोर रूट सेवन माइनस सिक्स रूट थ्री ये लिया है और फोर रूट थ्री प्लस टू रूट सेवन आपको मैंने बता दें तो मेन गौर करेंगे कि हम मल्टी फ्लाई लगाएंगे इसकी संख्या मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी इसे जहां पर माफ हो जाएगा माइनस हो जाएगा लिखे हम लोग फोर रूट थ्री प्लस क्या लगा माइनस टू रूट सेवन अपॉन क्या फोर रूट थ्री माइनस टू रूट सेवन। अब बच्चों मल्टीप्लाई करना हमको कर लेते मल्टीप्लाई देखो अब उसका मल्टीप्लाई में करो तो चार चौ सोलह रूट में आ रहा है रूट लगा दो सात थ्री इक्कीस समझ आया आपको अब यहाँ क्या रहा है माइनस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो माइनस लगा दो चार गुनी आठ ठीक है अब रूट लगा दो सर अब यहाँ पर रूट ऑर्डर कर दूंगा कितना आया रूट सेवन रूट सेवन जब तेज संख्या हो तो वहां जाना आपको पता है अगर ठीक है तो रूट सेवन रूट सेवन क्या हो जाएगा ओनली सेवन हो जाएगा उसको अब यहाँ माइनस लगा क्योंकि यहाँ अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना है उसमें भी करना है अब इसका मल्टीप्लाई करो तो छह तो चौबीस यहाँ पर चौबीस इंटू थ्री हो जाएगा थ्री रूट थ्री बन जाओ थ्री हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस तो छह दूनी बारह हो जाएगा यहाँ से अब रूट यहाँ कितना रखिए थ्री है यहाँ कितना है सेवन तो रूट में कितना हो जाएगा सात थ्री इक्कीस ये हमारा ऊपर का वैल्यू काम हो गया और नीचे का आपको पता है कि नंबर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या क्या रहेगा फोर रूट में थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू रूट में सेवन का होल स्क्वायर ओके तो आप ये सुन रहा होगा कि जो बताया है तो मैंने आपको ये बताया था आपके अब देखो कि क्या क्या जो सिंप्लीफाई किया आप सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ क्या है सोलह अंडर रूट की और अंडर रूट में हमको कितना है क्या इक्कीस तो जो अंडर रूट इक्कीस वाला है अंडर रूट सोलह वाला है इनको इनको एक साथ कर दो यानी कि सोलह और बारह कितना हो गया तो दो और छह आठ हो गए एक और एक दो हो गए तो रूट में इक्कीस क्या आ जाएगा इसके साथ आ जाएगा बचा हमारा क्या क्या माइनस आठ अपने छप्पन और माइनस चौबीस 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 अड़तालीस अड़तीस बहत्तर ये हमारा क्या हो बहत्तर हो गया अपान यहाँ क्या होगा चार सौ सोलह सोलह क्या है अड़तालीस अब दो दिन चार और चार जवाब लेगा चार साल लेगा दो दिन चार हो गए अट्ठाईस तो बच्चों आपको ये मैंने इसको मिनिमाइजेशन कर दिया इसको और हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं जैसे कि अट्ठाईस रूट में इक्कीस माइनस 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 रूट जाएगा लेकिन फिर कितना आएगा माइनस रहेगा तो
Thank you.